हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे पालक पनीर। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। एक बड़े साइज का तेल, सरसों का तेल ले लिया चम्मच। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ये हमारा तेल गर्म हो गया है, तो आधा चम्मच इसमें जीरा डाल रही हूँ मैं। ये हमारा जीरा भी भुन गया है, तो इसमें ये मिर्ची, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने बारीक कूट के। अभी 1 मिनट तक इनको चलाते हुए पकाना है। एक मिनट हो गए हैं पकते हुए, ये देखिए। तो अब इसमें मैं 3 बड़े साइज के प्याज काट लिए थे, वो डाल रही हूँ इसमें। प्याज को मिला देंगे अच्छे से। दूध प्याज का कलर चेंज होने तक इनको, मसाले को भूनेंगे हम। ये देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अभी 1 मिनट तक और भूनना है इसको। ये देखिए 1 मिनट हो गया है और हमारा प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। तो इसमें मैं अब एक टमाटर डाल दूंगी, मिला देंगे इसको भी। आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाए मसाले में। एक मिनट हो गया है और हमारे मसाले में टमाटर भी अच्छे से गल गया है, तो मैं मसाले ऐड करूंगी अब इसमें। तो यहाँ पे मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर ले रही हूँ। एक चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिला देंगे मसाले को अच्छे से। अभी इसमें 1 बड़ा साइज का कप में पानी डाल रही हूँ ताकि हमारे मसाले जले नहीं और अच्छे से पके। ये देखिए हमारे मसाले को पकाते हुए मेरे को 2 मिनट हो गए हैं। अभी थोड़ा सा और पकाना है 1 मिनट के लिए। ये 1 मिनट बाद में हमारा मसाला अच्छे तरह से पक गया है। तो मैंने पहले पालक को उबाल लिया था, पूरा पानी निकाल के उसका, और उसको काट लिया, तो वो डाल रही हूँ। मिला देंगे इसको भी। और इसको ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं पकाते हुए, तो अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। तो 500 ग्राम के करीब मैं पानी डाल रही हूँ इसमें। मिला देंगे इसको भी। ये मैंने घर पर ही पनीर बनाया है, ये देखिए। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हो। तो ये पानी में उबाल आ गए हैं। ये हमने कस्तूरी मेथी डाल दी थोड़ी सी। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अभी ढककर पकाएंगे 2 मिनट के लिए। ये देखिए 2 मिनट और हो गए हैं हमको पकाते हुए इसको। अभी हमारा पनीर डाल रही हूँ इसमें मैं, मिला देंगे इसको। देखिए
कितना अच्छा सा कलर दिख रहा है इसमें। अभी ढक के इनको 3 मिनट के लिए और पकाना है। 3 मिनट हो गए हैं और ये देखिए कितने अच्छे से बनके तैयार है हमारी सब्जी। ये देखिए हमारा पालक पनीर कितने अच्छे से बना है। हमारा पालक पनीर बनके बिल्कुल तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।